अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां मुखिया महासंघ के अध्यक्ष और राजद नेता अजय चौहान के बड़े भाई रुपेश चौहान की हत्या कर दी गई है। घटना के संबंध में राजद नेता अजय चौहान ने बताया कि उनके बड़े भाई हैदराबाद में नौकरी करते थे। रविवार के दिन उनके ही रूम में रहने वाले सिवान जिले के बसंतपुर के कोड़ा गांव निवासी जनार्दन सिंह का पुत्र संतोष सिंह और उसके एक रिश्तेदार से किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद दोनों आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। इधर घटना की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां दो दिन के इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही राजद खेमा में शोक की लहर दौड़ गई। लोकसभा प्रत्याशी हिना शाह, पूर्व मंत्री औद बिहारी चौधरी, परमात्मा राम, मैरवा प्रमुख पति संजय सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उनके घर पहुंचकर संतावना दिया। आपको बता दें कि अजय चौहान फिलहाल मैरवा के मुड़ियाड़ी पंचायत के मुखिया हैं। एटीएन लाइव के लिए बंटी कुमार के साथ सुमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोबाइल ले लिया, पैसा था वो ले लिया, अब बारवा से गुंडे लाकर पड़ा ले लिया। इस संडे को इसे मार के चला आया, सोमवार को 11 बजे वो सब कुछ आया होगा तो अपना अंदर से आवाज किए तो सुन के कोई खोला। पूरा मामला क्या है? जो घटना है रविवार के दिन तकरीबन 6 बजे हैदराबाद से सुदूर 60-70 किलोमीटर दूरी पे कोई प्लांट लग रहा है, उसी प्लांट में हमारे बड़े भाई रुपेश चौहान जी आज से 7-8 दिन पहले वहाँ गए थे काम करने के लिए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में जब आदमी काम करने जाता है तो जिला के या अगल बगल के लोग में ही वो लोग रहने की व्यवस्था कर देते हैं। तो उस कमरा में एक लड़का जो बसंतपुर का है, जिसका नाम है संतोष सिंह, पिता का नाम जगन्नाथ सिंह, ग्राम कोडर है, और दूसरा उसका रिश्तेदार, और उसी कमरा में हमारे बड़े भाई भी 4 दिन से रह रहे थे। जब आदमी वहाँ काम करने जाता है तो खाने पीने के लिए ठेकेदारों के द्वारा 2-4 हज़ार रुपया दिया जाता है कि अपना खुराकी चलाएंगे वो। उसमें ठेकेदार ने उनको 5 हज़ार रुपया दिया। ये दोनों लड़का उस 5 हज़ार रुपये को जब देखा तो उन्होंने बोला कि आज संडे दिन है, आप इसमें से पार्टी करो। हमारे बड़े भाई ने कहा कि हम लोग दूर प्रदेश कमाने आए हैं, पार्टी करने नहीं आए। इसका इन्होंने विरोध किया। इसके दरमियान वह दोनों पर्सन बाहर से जाता है और पी के आता है और बंद कमरा करके हमारे भाई को बुरी तरीका से हत्या के नियत से मार करके, और जब बेहोश हो जाते हैं वह समझ लेता है कि वह मर गए तो उसमें उनका मोबाइल उठाता है, पैसा छीन लेता है ले करके, और दरवाजा से निकल करके कुंडी बाहर से लगा करके वो लोग वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जब हमारे भाई को होश आता है तो 11 बजे दिन में सोमवार को वह दरवाजा को नॉक करते हैं, बाहर का लोग खोलता है, और पहला प्राथमिकता इलाज उनका कहाँ होता है, वहाँ लोकल जगह पे। लोकल जगह पे इलाज होने के उपरांत उनको वहाँ से ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद गांधी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उनकी आज लगभग 11 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह जो इतना बड़ा दर्दनाक घटना है, मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इस तरह का जघन्य अपराध, जो अपने बाल बच्चा के परवरिश के लिए दूर प्रदेशों में जा करके कमाने का जो काम करते हैं, और उसके कमाने में, और ये जो घटना उनके साथ घटित हुआ, यह बहुत अमानवीय घटना है कि पेट पे मार करके, और पेट का जब कोई नस फट गया, क्लॉटिंग हो गया, वह भाई मेरा उस तड़पड़ाते हुए 3 दिन के सफर में दम तोड़ दिया है। मैं काफ़ी दुखी हूँ, और वह व्यक्ति, मैं उस वैसे व्यक्तियों का हर वक्त विरोध करते रहता हूँ जो समाज को तोड़ने का और समाज में इस तरह का गलत कार्य करने का, जो उन लोगों की जो प्रवृत्ति है, समाज के संभ्रांत व्यक्ति संतोष सिंह जो मानवता को तार तार किए हैं, वह केवल उनके जहन में ये यही लगा होगा कि हम समाज के मुख्य धारा के हैं और यह गरीब का बेटा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रंगदारी दिखाते हुए पैसा नहीं देने की वजह से हत्या किया है। यह बहुत अमानवीय है, और इस तरह की घटना पे प्रशासन को, वहाँ के भी प्रशासन और सिवान प्रशासन से भी हम चाहेंगे एक्टिव होकर के कार्रवाई करें,
कानूनी उसको सजा मिले कि आने वाले समय में किसी गरीब गुरबा और किसी दबे कुचले बेटा की दबे कुचले हुए बेटा के साथ इस तरह का अमानवीय घटना नहीं हो। मैं आपके माध्यम से मैं इस चीज़ को मांग करता हूँ। काफ़ी इस घटना से मैं दुखी हूँ और परिवार के साथ अब उन दुख की घड़ी में कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास कर रहा हूँ। बॉडी आने की संभावना है, कल जैसे पोस्टमार्टम हो जाएगा हम लोग प्रयास करेंगे, या तो जहाज से या फिर जिस तरीका से हो बॉडी हम लोग यहाँ ले आएंगे। हुई है इस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत दुखी घटना है, हम लोग सभी लोग दुखी हैं। अजय चौहान जी हमारे पार्टी के योग्य नेता हैं और उनके भाई के साथ ऐसी घटना हो गई। जो आरोपी है मैडम यहीं के हैं, तो क्या मांग करेंगी वहाँ के प्रशासन से? उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए।